साप्ताहिक लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को सारे शहर में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन पर पैसेंजर्स की काफी भीड़ नजर आई। आलम यह रहा कि बसें चंद मिनट में ही फुल हो जा रही थी। दिल्ली मुंबई से आने वाले पैसेंजर्स अपने सामानों के साथ रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर निकले। यहाँ पर उन्हें ऑटो रिक्शा नहीं मिला, वह अपने सामानों को सिर पर उठाकर ही रेलवे बस स्टेशन की तरफ निकल पड़े। कई पैसेंजर्स बस के इंतजार में अपने सामान के साथ इधर उधर भटकते दिखे। हालांकि रोडवेज प्रशासन की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बसें लगाई गई थी, फिर भी पैसेंजर्स की समस्या दूर नहीं हो सकी। वहीं रेल म्यूजियम तिराहे से बिहार के लिए जाने वाली प्राइवेट बसों में भी काफी भीड़ रही। सभी को अपने घर जाने की जल्दी थी। रेलवे बस स्टेशन पर मौजूद परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रोडवेज कर्मियों, ड्राइवर और कंडक्टरों को हिदायत दिया गया है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए अपने सेहत का ख्याल रखें। साथ ही सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि रोडवेज बसें चुनाव ड्यूटी में लगी हैं, लेकिन अनुबंधित बसों की संख्या अच्छी खासी है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यात्री भोला अली ने बताया। हम आ रहे हैं हरियाणा भिवानी जिला से, ठीक है, वहाँ से अब जाना है मेरे को गोपालगंज। आपको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। कोरोना भारत को बचाना थे। बसें तो अभी जाने बस स्टैंड जाने पर हमको मालूम चल रहा है बस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। किसी तरह का दिक्कत नहीं है? नहीं, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रही है।